नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा आज आप कहाँ पे हैं, कौन से शूटिंग कर रहे हैं, जिसे पीछे देख रहे हैं बहुत अच्छा से। जी मेरा नाम राकेश गुप्ता, आज है हम दिल बेचारा फिल्म के सेट पर। ये फिल्म का थर्ड शेड्यूल है और ये फिल्म आज अब कंप्लीट होने जा रही है, जिसमें काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं प्रकाश जी, और आर्टिस्ट में हैं सुशील भैया हैं, फिर जय नीलम जी हैं, प्रकाश जय जी हैं, प्रियंका भारद्वाज है। और ये फिल्म बहुत ही फैमिली ड्रामा, पारिवारिक फिल्म है तो, और काफ़ी अच्छा एक्शन जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि मतलब सेट पे चालू ही है एक्शन, ऑलमोस्ट सब आर्टिस्ट भी सेट पर ही है, तो काफ़ी अच्छा आनंद भी महसूस हो रहा है। और ये फिल्म कंप्लीट हो रही है उसमें और बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। क्या कहना, किस तरह से मूवी बन रही है और किरदार जो आप इसमें, कितना अलग होगा? जी ये फिल्म एक माँ बेटे पर आधारित है। ये फिल्म में आपको बहुत इमोशंस मिलेगा, फैमिली ड्रामा भी है। ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है और माँ बेटे का जो एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है, एक मोहब्बत होती है, जो वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो ये फिल्म, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये फिल्म काफ़ी दिनों के बाद शूट हो रही है, बट फिल्म कंप्लीट हो रही है, खुशी की बात यह है और अच्छा महसूस हो रहा है। जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं हमारे प्रकाश कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने पहले और एक दो फिल्म बनाई है जो कि आने वाली फिल्म है, उसमें भी मैं हूँ, आज़ाद परिंदे। फिर दूसरी फिल्म है स्वर्ग जैसन गांव हमार, और जो कि आप लोग के सामने तीसरी फिल्म है ये दिल बेचारा। तो सब फिल्में ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे आने ही वाली है। ऐसा था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। मेरी अपकमिंग फिल्में भी और भी हैं, जैसे कि आप मुझे साजन के घर जाना है, स्वर्ग जैसन गांव हमार, फिर मेरी एक वेब सीरीज़ की फिल्म आ रही है, फिल्म है, अच्छी फिल्म का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, और हाँ उमस जो कि मेरी फिल्म, वो भी सेंसर में आ चुकी है और लगभग एक दो दिन में वो भी हो जाएगा। तो जल्दी मेरी 7-8 फिल्में लगभग ऑलमोस्ट बन के रेडी है, तो आप लोगों को बहुत सारा मेरी फिल्म देखने को भी मिलेगा। क्योंकि प्रोड्यूसर प्रकाश गुप्ता जी बारे में क्या कहना चाहेंगे, और ये है कि जहाँ आप लगता है, क्योंकि आप दोनों भाई हैं, प्रोड्यूसर नहीं, वो हमारे भाई नहीं, हमारे मित्र हैं, और हमने पहले फिल्म की थी जो कि त्रिशूल, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब चला, पारिवारिक फिल्म थी, आप लोगों ने आशीर्वाद और प्यार दिया, जिसमें वो फर्स्ट टाइम आए थे और उन्होंने उसमें एक छोटा रोल किया था, मुनीम जी वाला रोल किया था। तो उसके बाद से हम लोग का इतना अटैचमेंट हुआ, फिर उनको भी मेरा काम पसंद आया, और भी लोगों के साथ, इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने डिसाइड किया कि फिल्म बनाना है। तो उन्होंने कंटिन्यू 3 फिल्में मुझे लेकर बनाई, और माता रानी का आशीर्वाद टचवुड फिल्म बहुत अच्छी बनी है, आप लोगों के सामने बहुत जल्दी ही आएगी। और प्रकाश कुमार जी हमारे बहुत कॉन्शियस, मतलब बहुत चीज़ों को बहुत बारीकियों से समझ के करते हैं, और स्क्रिप्ट पे अच्छा वर्क करते हैं, टीम वर्क भी उनका अच्छा होता है। तो मैं प्रकाश कुमार गुप्ता जी के लिए यही कहूँगा कि ऐसे ही मतलब फिल्म आप लोगों के बीच लाते रहें और फिल्में बनाते रहें। जी जी हाँ, ये फिल्म दिल बेचारा है, इसमें है हमारे सुशील सिंह भैया हैं, फिर जय नीलम जी हैं, प्रकाश जैस जी हैं, फिर हमारे छोटे भाई हैं शंभू, और अर्चना सिंह है, प्रियंका भारद्वाज है, और मैं राकेश गुप्ता आप लोग के सामने हूँ। ये फिल्म को लेकर मैं यही दर्शकों से एक विनंती करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये फिल्म बहुत जल्दी ही पर्दे पर आने वाली है, और इसमें माँ बेटे का जो एक इमोशंस होता है आप लोगों के बीच आएगी, तो आप लोग का आशीर्वाद अपेक्षित है, तो यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, और सभी मीडिया प्रभारी को मेरे तरफ से लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद।